हेलो स्टूडेंट, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का जो कंपैरेटिव अकाउंट कर रहे हैं, उसके कंटिन्यूएशन में हम नेक्स्ट जो एलिमेंट्री ट्रैक का पार्ट रहता है, दैट इज फेरिंग्स एंड ईसोफेगस के बारे में स्टडी करेंगे। फेरिंग्स जो होता है, प्लूरल में फेरिंजिस बोलते हैं, वो पार्ट होता है, इसको थ्रोट भी बोल देते हैं कॉमन लैंग्वेज के अंदर, जो कि माउथ और नेजल कैविटी आप यहाँ देख सकते हैं। ये माउथ कैविटी है, ये टंग है, पैलेट है, जिसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं, और यहाँ पर ये जो ऊपर से आ रही है, ये नेजल कैविटी। इन दोनों के पीछे, और यहाँ पर आप देखेंगे ये ईसोफेगस है, और ये लेरिंग्स के ऊपर की साइड में जो है प्रेजेंट होता है फेरिंग्स। और यहाँ पर जो लेरिंग्स है या ट्रेकिया है, जो कि लंग्स के अंदर ट्यूब जाती है, ईसोफेगस जो कि स्टमक के अंदर ट्यूब जाती है, इस एरिया को फेरिंग्स का नाम दिया जाता है। फेरिंग्स जो है वो एंडोडर्मिस से लाइंड होता है, ये वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट्स दोनों में मिलता है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो है वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। फेरिंग्स का जो फंक्शन है वो फूड को कैरी करना, एयर को कैरी करना टू द ईसोफेगस एंड लैरिंग्स रिस्पेक्टिवली। जो लैरिंग्स के में एयर जाती है, उस ट्यूब के ऊपर जो है एक फ्लैप होता है, जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, जो कि ट्यूब का ओपनिंग पॉइंट ग्लोटिस को के ऊपर होता है। ये जब फूड की ईटिंग हो रही होती है, फूड जब स्वॉलो किया जाता है, उस समय ये एपिग्लोटिस जो है ग्लोटिस को कवर कर लेता है, जिसके कारण फूड जो है वो लैरिंग्स या ट्रेकिया के अंदर जो है नहीं एंटर करता। फेरिंग्स की डेवलपमेंट जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है देखने को मिलती है, जिसमें एंटीरियर पोर्शन होता है जो गट का, एंडोडर्मल गट का जो एंटीरियर पोर्शन होता है, उसका एक्सपेंशन होता है, जो कि लेटरली एक्सपेंड कर जाता है, जिसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जब डेवलपमेंट होता है सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है, इन अर्ली एम्ब्रियो स्टेज के अंदर, या एयर ब्रीदिंग टेरेस्ट्रियल जो टेरेस्ट्रियल रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है, जिसमें सिक्स और मोर आउट पैकेटिंग जो है लेटरल साइड ऑफ द हेड से, ये लेटरल साइड ऑफ हेड से ये पैकेट, जिनको पाउचेस भी बोल देते हैं, वो निकलते हैं, फेरिंजियल पाउचेस का नाम दिया जाता है। ये पाउचेस जो हैं, इनके जो नंबर हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे स्केल्टन में, मस्कुलर में, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। क्या होता है जब ये आउटग्रोथ होती है, इनग्रोथ होती है, इस तरह से पाउचेस जो अंदर की तरफ जो है मूव करती है, तो जो मीजोडर्मल लेयर होती है बीच वाली, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, उसमें परफोरेशन आ जाती है और वो एक्टोडर्म को टच करने लग जाती है, वहां तक पहुंच जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो फेरिंजियल फॉर्म गिल और गिल क्लेफ्ट जो है वो बोल देती है। फेरिंजियल गिल्स बोल सकते हैं उनको, फेरिंजियल क्लेफ्ट बोल सकते हैं, उनके में बन जाती है। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये फेरिंजियल जो आर्च है, 1 2 3 4, ये फेरिंजियल आर्चिस जो हैं ये डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, ये पाउचिस हैं डेवलपिंग जो टंग है ऑन फेरिंजियल फ्लोर के अंदर, ये कार्टिलेज हैं, ये फेरिंजियल क्लेफ्ट जो है, ये आप जो बर्रोसी देख रहे हैं ये क्लेफ्ट कहलाते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो है, ये फेरिंजियल पाउचेस हैं और ये फेरिंजियल क्लेफ्ट हैं। तो ये बनते हैं जब मीजोडर्मल लेयर में परफोरेशन होती है। फिशेस के अंदर, एम्फीबियन के लार्वा के अंदर, ये क्लेफ्ट जो है गिल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करने लग जाते हैं। नंबर ऑफ पाउचेस जो हैं वो क्या होता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट आप देखते हैं, इवोल्यूशन देखते हैं वर्टिब्रेट्स का अंदर,
टेट्रापोड्स के अंदर, जहां पर ये जो पाउचेस जो हम बता रहे हैं, सिक्स पाउचेस जो हैं, ये फोर तक जो है वो रिड्यूस हो जाते हैं। जो पोस्टीरियर पाउचेस होते हैं वो एक्चुअली ब्रेक थ्रू हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये पाउचेस हैं, ये डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं। जैसे एओर्टिक आर्चेस, ये एओर्टिक सैक है, ठीक है, ये एओर्टिक आर्चेस हैं, ये जो आपको रेड कलर की दिख रही है इन पाउचेस के, फेरिंजियल पाउचेस के बीच में, ये इस तरह की आर्चेस बना लेती हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल वर्टिब्रेट्स की रहती हैं, जो कि फेरिंजियल पाउचेस के बीच में आप देख रहे हैं। कुछ विसरल पाउचेस, स्केल्टन विसरल पाउचेस जो हैं वो होते हैं कंसेक्यूटिव इन फाइव फेरिंजियल पाउचेस के बीच में, ठीक है, दे डू नॉट डेवलप इन फेरिंजियल पाउचेस प्रिवेंटिंग फ्रॉम डेवलपिंग। क्योंकि स्केल्टन अगर डेवलप होने लग जाएगा तो क्या होगा, फर्दर जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, है ना, स्केल्टन जो है वो ग्रो नहीं करने देंगे, तो ये जो है ये डेवलप होते हैं बाद में, ठीक है। अडल्ट के अंदर जो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर जो विसरल आर्चीज हैं वो हायोडोप्रेटस में, ठीक है, जो कि टंग को सपोर्ट करते हैं, ये लोअर साइड में जो है रीजन होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल्स में, पार्ट ऑफ लैरिंग्स में, ट्रैकिया में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। कुछ मटेरियल जो है फेरेंजियल पाउचेस का वो पैराथायरॉयड ग्लैंड की फॉर्मेशन में यूज हो जाता है, जिनका इंटरनल सिक्रीशन रहता है, और थाइमस बनाने में, जो कि सोर्स होता है एंटीबायोटिक का, ठीक है, इसके जो सेल होते हैं वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं थाइमस के, तो ये जो है फेरेंजियल पाउच के मटेरियल से ही बनते हैं। फेरेंक्स जो है वो रूडिमेंट ऑफ थायरॉयड ग्लैंड भी बनाता है एज ए वेंट्रल आउटग्रोथ। हमने देखा जो जितने भी फेरेंजियल पाउच थे वो लेटरल आउटग्रोथ थी, जिसमें जो एक्टोडर्म है वो मूव कर जाती है टुवर्ड्स द इनर साइड, ठीक है, मीजोडर्म जो है वो परफोरेट हो जाती है और एक्टोडर्म को जो है वो टच कर जाती है। तो ह्यूमन के अंदर टू सेट ऑफ फेरेंजियल मसल्स होती हैं जो कि फेरेंक्स बनाती हैं। यहाँ पर ये फेरेंक्स के अंदर जो मसल्स हैं वो वही जो हम पढ़ रहे पूरी एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी हमने स्टडी की थी उसमें हमने देखा था कि फोर डिफरेंट लेयर होती है, सिरोसा, मस्कुलर कोर, मसल कोट की लेयर है, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, तो इसके फेरेंजियल मसल्स भी हैं, वही सर्कुलर मसल्स रहती हैं जो कि कॉन्स्ट्रिक्शन करती हैं, जिसके कारण फूड जो है वो ईसोफेगस में पुश हो जाता है, ठीक है, और ये जब स्वेलिंग करते हैं उस समय एयर को प्रिवेंट करती है ईसोफेगस में एंटर करने में। लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स हैं वो क्या करते हैं, फेरेंक्स की वॉल को लिफ्ट कर देते हैं, जिसके कारण अंदर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाती है और इजीली फूड जो है वो स्वलो हो जाता है। फेरेंक्स के अंदर टॉन्सिल प्रेजेंट होते हैं, देयर आर थ्री सेट ऑफ टॉन्सिल्स देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट में इस रीजन के अंदर होते हैं, और ये टॉन्सिल जो है बैक ऑफ द थ्रोट और बेस ऑफ द टंग में प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, कि कोई भी अगर आप अनहाइजीनिक फूड खाते हैं या एयर एंटर होती है तो वो टॉन्सिल जो है वो वहां पर इन्फेक्शन को रोक लेते हैं। फेरिंग्स थ्री मेन डिवीजन होती हैं, एंटीरियर पोर्शन जो फेरिंग्स का होता है जिसको नेजो फेरिंग्स बोलते हैं, ये वाला पोर्शन जो कि नेजल कैविटी जहां पर खुलती है, ठीक है, नेजो फेरिंग्स कहलाते हैं। इसमें जो है नेजल कैविटी का सेक्शन रहता है, नेजल फेरिंग्स जो है वो सेकेंड पार्ट जो कि ओरो फेरिंग्स है, यहाँ पर जहां पर ओरल कैविटी जो है वो खुलती है बाय अ स्मॉल पैसेज कॉल्ड इस्थमस। ओरल जो फेरिंग्स होता है ये क्या करता है, फूड को बैक इनटू माउथ कैविटी में एंटर नहीं होता और जिसके कारण कंटिन्यू डाउन द थ्रोट टू एपिग्लोटिस जो है की तरफ चला जाता है। थर्ड रीजन जो होता है वो लैरिंजियल फेरिंग्स होता है, जिसका बॉटम पार्ट होता है, यहाँ पर आप देखेंगे ये बक्का माउथ कैविटी जो ओरल फेरिंग्स होता है
वो माउथ कैविटी के बैक से शुरू होता है और कंटिन्यूली डाउन तक जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे ये एपिग्लोटिस है। यहाँ तक का जो रीजन है दैट इज ओरोफेरिंग्स, इसके ऊपर का रीजन जो है दैट इज नेजोफेरिंग्स। अब इस एपिग्लोटिस से नीचे जो हम एंटर करते हैं जिसको लरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं, और ये बॉटम पार्ट होता है थ्रोट का नियर द लरिंग्स में। इट रेगुलेट द पैसेज ऑफ एयर, जो भी एयर होती है उसको ये लंग्स की तरफ जो है वो पैसेज कर देते हैं, और फ्लूइड को जो फूड है या जो फ्लूइड आ रहा है उसको ईसोफेगस की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। तो ये डिफरेंट थ्री लरिंजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और नेरोफेरिंग्स जो है इस फेरिंग्स के थ्री डिवीजन होते हैं। अब आता है कंपैरेटिव, हम वर्टिब्रेट्स के अंदर फेरिंग्स को कंपेयर करें तो सबसे पहले साइक्लोस्ट्रोम्स हैं, जिनका फेरिंग्स जो होता है वो ईसोफेगस से नीचे होता है एज ए सेपरेट ब्लाउंड जो ब्लाइंड पाउच है। आप देखेंगे ये बक्कल फनल, बक्कल कैविटी, ओरल पैसेज, और ये ओरल कैविटी, और यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर वाला जो पार्ट है दैट इज ईसोफेगस, और नीचे जो आपको लाइनिंग दिखाई दे रही है दैट इज द फेरिंग्स। ऊपर यहाँ देख सकते हैं ये ईसोफेगस है और ये फेरिंजियल रीजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है एयर जो है यहाँ पर सीधा, इसमें आप यहाँ पर दो डिवीजन है, ऊपर वाली ईसोफेगस है, नीचे वाला जो है वो फेरिंग्स है, जिसमें आपको ये राउंड राउंड गिल्स जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके फेरिंग्स जो होता है, अब फेरिंग्स हम सिर्फ लोअर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, अपर वाला जो डोर्सल रीजन है जो कि ईसोफेगस का है, वेंट्रल रीजन के अंदर रेस्पिरेटरी ट्यूब होती है जो कि माउथ से आइसोलेट होती है बाय अ वाल्व। यहाँ पर एक स्पेशल तरह की वाल्व होती है, मेम्ब्रेन होती है जिसको विलम बोलते हैं, और उस मेम्ब्रेन के सेंटर में जो है व्हीलर टेंटिकल जो है वो, अगर आप क्रॉस सेक्शन में देखेंगे तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ये विलम है और इसमें ये मेम्ब्रेन जो है इस तरह की टेंटिकल जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, तो सेंट्रल में एक पाउच जो है वो रह जाता है। तो व्हीलर और व्हीलर टेंटिकल, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं एट द एंटीरियर एंड ऑफ द फेरिंग्स में। ये एक अडप्टेशन होती है कि अडल्ट जब फीड करता है तो ये प्रिवेंट करता है प्रे की बॉडी को फ्लूइड फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू द गिल्स और इंटरफेयरिंग विद गैस एक्सचेंज विच टेक प्लेस बाय पंपिंग वाटर इन एंड आउट ऑफ गिल पाउचेस इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इनटू इन थ्रू द माउथ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भी फूड पार्टिकल होते हैं वो सीधे जो है वो ईसोफेगस में एंटर करते हैं, वो इस फेरिंग्स के अंदर जो है वो नहीं जाते। फेरिंग्स में सिर्फ और सिर्फ वाटर जो है वो मूव करता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो हो पाता है। फिशेस के अंदर जो प्राइमरी रोल होता है वो रेस्पिरेशन का होता है फेरिंग्स के अंदर, ठीक है। कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं उनके अंदर जो इस तरह के आप देखेंगे आइदर साइड ऑफ, ये फेरिंग्स रीजन है, आइदर साइड जो है वो इंटरनल ओपनिंग होती है स्पाइरिकल की, ये जो आप देख रहे हैं ये गिल लैमिला गिल क्लेफ्ट है, यहाँ पर ये स्पाइरिकल की ओपनिंग है, ठीक है। यहाँ पर जो फिशेस के अंदर जो रहते हैं इंटरनल गिल क्लेफ्ट, ठीक है, जो कि फेरिंजियल लेटरल वॉल जो है वो इंटरनल गिल क्लेफ्ट में, ये इंटरनल इनर साइड में जो ओपनिंग है वो ये एक्सटर्नल गिल क्लेफ्ट रहते हैं, और इसके अलावा फेरिंजियल म्यूकस मेम्ब्रेन आप देखेंगे इस तरह की मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर टेंटिकल, आप ये ब्लैक ब्लैक सा जो जोन देख रहे हैं ये मेम्ब्रेन जिसके ऊपर टेंटिकल, क्योंकि जब हमने बताया एक्टोडर्म अंदर की तरफ मूव करती है तो ये एक्टोडर्मल पार्ट जो है इसके ऊपर जो है वो टेंटिकल जो है वो जो कि एपिडर्मल प्रोजेक्शन रहते हैं वो अपीयर होते हैं, ठीक है। तो फेरिंजियल वॉल के अंदर जो न्यूमरस म्यूकस मेम्ब्रेन की जो फेरिंजियल वॉल है वहां से डर्मल टेंटिकल होते हैं।
बोनी फिशेस के अंदर जो बक्कल कैविटी है वो डोर्सोवेंट्री, यहाँ पर माउथ से होते हुए ये बक्कल कैविटी जो है टू फेरिंग्स, एक ये एंटीरियर फेरिंग्स और दूसरा पोस्टीरियर फेरिंग्स, फेरिंग्स में एंटर करी। फेरिंग्स, जो फेरिंग्स होता है वो लेटरली बाउंड, उसमें गिल आर्चीज होती हैं और वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फेरिंग्स में। जो एंटीरियर पार्ट है वो रेस्पिरेटरी पार्ट रहता है, थोड़ा आप देखेंगे ब्रॉड होता है, जिसमें आप ये जो फोर पेयर ऑफ गिल स्लिट्स देखते हो, ये गिल, जो गिल आर्चीज होती हैं यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ से क्या होता है, इन गिल आर्चीज से जो है प्रोजेक्ट होती हैं ये फेरिंजियल कैविटी के अंदर, इस फेरिंजियल कैविटी में, और उनके ऊपर स्मॉल स्पाइनी गिल रैकर, डेंटिकल लाइक स्ट्रक्चर्स रहते हैं जो कि फूड पैसेज को गिल स्लिट में एंटर नहीं होने देते। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो मास्टिकेशन पार्ट होगा। मास्टिकेशन आप समझ पा रहे हैं कि किसी भी चीज़ का जो फूडिंग में जो है, फीडिंग में, डाइजेशन में जो हेल्प करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो इसमें थ्री रोज ऑफ जो होमोडोंट फेरिंजियल टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं ऑन वेंट्रो लेटरल वॉल ऑफ दी फेरिंग्स, पोस्टीरियर फेरिंग्स, जो कि फूड की मास्टिकेशन में हेल्प करते हैं। ईच टूथ जो है उनकी बेसल जो है वो रूट होती है और कॉनिकल क्राउन होता है। इसके जो ये ब्लैक पोर्शन है इसके अंदर, यहाँ पर पूरे बोल के जो साइड में जो है आपको ये फेरिंजियल टीथ जो है वो देखने को मिलते हैं। फ्लोर जो है वो हाईली फोल्डेड ट्रांसवर्सली जो है, बहुत ज़्यादा फोल्डिंग होती है जिसके कारण फूड की मास्टिकेशन जो है वो ईजी और परफेक्ट होती है। टेट्रापोड्स के अंदर जो फेरिंग्स होता है उसके आप देखेंगे एक मीडियन अपर्चर होता है जिसको ग्लोटिस बोलते हैं, जो कि सिल्ट लाइक ओपनिंग होती है लैरिंग्स की, जो कि ट्रेकिया और लंग्स पे जाता है। सेकंड जो है पेयर ऑफ ओपनिंग जो है वो ऑडिटरी जो ट्यूब होती है, स्टेशन ट्यूब होती है, जो कि कान की ट्यूब होती है, उनकी ओपनिंग होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टेशन ट्यूब है, ये गलट्स है, ग्लोटिस है, और ये कुछ जो मेल फ्रॉग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि वोकल सैक की ओपनिंग भी देखने को मिलती है। और गलट जो है वो ईसोफेगस की ओपनिंग होती है। कुछ टेट्रापोड्स के अंदर, फेरेंक्स के अंदर जो है इंटरनल नेरिस, जो नेजल सैक है, उसकी ओपनिंग भी, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे नोस्ट्रिल की ओपनिंग है, ये वोमेराइन टीथ आप देख सकते हैं, तो वह उसकी नेजल कैविटी की भी ओपनिंग जो है होती है। मैमल्स के अंदर जो एपोग्लोटिस है, जो कि ट्रैकिया की ओपनिंग जिसको ग्लोटिस बोलते हैं, उसके ऊपर पोजिशन होता है, और जैसे ही फूड को सोलो किया जाता है ये एपिग्लोटिस जो है कवर कर लेता है ग्लोटिस को, जिसके कारण फूड जो है वो ट्रैकिया के अंदर एंटर नहीं होता, ईसोफेगस के अंदर एंटर होता है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये इसका जो इंटरनल रीजन रहता है, ग्लोटिस है जो कि ईसोफेगस में ही जाता है। ठीक है, ह्यूमन के अंदर जो फेरिंक्स होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है और उसमें एक कंडक्टिव जोन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि फेरिंक्स के अंदर हमने बताया ओरल कैविटी भी खुलती है और नेजल कैविटी भी खुलती है। जो कंडक्टिव जोन होता है जो कि नोस्ट्रिल ऑफ नोज को इंक्लूड करता है, लैरिंग्स है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिल्टर, ये एयर को फिल्टर करते हैं। डिफरेंट जोन जो है कंडक्टिंग जोन, नोस्ट्रिल से शुरू होकर ब्रोंक्यूल तक के रीजन इसमें आते हैं, जो कि फिल्टर भी करते हैं, वार्म भी करते हैं, एयर कंडीशनिंग ऑफ एयर होती है, मॉइस्चर भी देते हैं एयर में, और लंग्स की तरफ जो है उसको कंडक्ट भी करते हैं एयर को, इसीलिए इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। ह्यूमन फेरिंग्स जो है कन्वीनियंटली डिवाइडेड इंटू थ्री सेक्शन, नेजो फेरिंग्स, ओरो फेरिंग्स और लेरिंजो फेरिंग्स।
इसके अलावा ऑडिटरी या ऑस्टिचियन ट्यूब जो है, जो दो ट्यूब होती हैं जो ईयर को थ्रोट्स के साथ जोड़ती हैं, जिनका मेन फंक्शन जो है उसके इंटरनल प्रेशर को इक्वलाइज करना विद द एक्सटर्नल और हेल्प टू ड्रेन फ्लूइड। सेकेंड जो एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट रहेगा फेरिंग्स के बाद, दैट इज ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है एक डिस्टेंसिबल मस्कुलर ट्यूब होती है, ठीक है, ये अबाउट 10 इंचेस लॉन्ग होती हैं ह्यूमन के अंदर, मैमल्स के अंदर, और ये हाइपोफेरिंक्स टू स्टमक जो है, मतलब कि फेरिंक्स रीजन से स्टमक रीजन के बीच की एक ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब होती है, डिस्टेंसिबल होती है, कि ये इजीली जो है वाइड और नैरो हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ लैम्प्रे का एक एग्जांपल है जिसमें बक्कल कैविटी से ईसोफेगस शुरू होती है, वहां पर फेरिंक्स जो है एक ब्लाइंड पाउच की तरह सेपरेट कंपोनेंट होता है। ईसोफेगस जो है वो पोस्टीरियर ऑफ ट्रैकिया के पोस्टीरियर साइड में होता है, और हार्ट आप यहाँ देख सकते हैं, ये हार्ट है, इसके बैक साइड में ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये ट्रैकिया है, इसके बैक साइड में जो है वो ईसोफेगस है, और ये पास हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे ईसोफेगस में ये नेक रीजन में सर्विकल पार्ट रहता है, थोरेक्स रीजन में थोरेसिक पार्ट होता है, और डायफ्रैगम रीजन में एब्डोमिनल पार्ट होता है, यहाँ पर ये डायफ्रैगम को की ओपनिंग को क्रॉस कर लेता है। वर्टिब्रेट्स के अंदर ये साइज में ईसोफेगस जो है आप देखेंगे पूरे वर्टिब्रेट्स के अंदर इसका साइज जो है बहुत वेरी करता है, और वो डिपेंड करता है कि नेक जोन प्रेजेंट है या नहीं है। जिनके अंदर नेक नहीं होता उनके अंदर जो ईसोफेगस होती है वो थोड़ी छोटे साइज की होती है। एमनियोट्स के अंदर देखते हैं तो जो कि टेट्रापोड्स होते हैं, जिनके एम्ब्रियो के अंदर जो है वो 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अंदर जो है इनक्लोज होता है, तो उनके अंदर जो है ईसोफेगस है एज कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट जो है थोड़ी लंबी है। ईसोफेगस की वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन फूड की पैसेज का जो फंक्शन है कि मूव करना है वो करता है ड्यू टू मसल्स के कारण। ईसोफेगस जो है हमने एलिमेंट्री कैनाल का देखा, पूरी हिस्टोलॉजी में 4 लेयर रहती हैं। जो ईसोफेगस होती है उसके अंदर जो आउटर लेयर होती है जिसको हम नॉर्मली सिरोसा बोलते हैं, उसका ईसोफेगस के अंदर एडवेंशिया बोलते हैं, जो कि आउटर लेयर होती है कनेक्टिव टिश्यू की। फिर आता है मसल कोट की लेयर होती है, जिसमें वही एक्सटर्नल लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं और इनर साइड में सर्कुलर मसल होते हैं, लेकिन इसकी वॉल के अंदर जो अपर पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसके अंदर आप देखेंगे कि जो मसल्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं ग्रेजुअली फ्रॉम स्टाइरेटेड वॉलेंट्री मसल से स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल की तरफ। तो यहाँ पर डिफरेंट जोन में वो सुपीरियर जो होती है वो वॉलेंट्री स्टाइरेटेड मसल रहती है, मिडल में जो है वॉलेंट्री प्लस स्मूथ मसल होती हैं, और इन्फीरियर रीजन जो इंटरनल रीजन रहेगा उसमें सिर्फ और सिर्फ स्मूथ इनवॉलेंट्री मसल होती हैं, और ये ग्रेजुअली जो है वो चेंज होती रहती हैं, लेकिन अपर जोन के अंदर ये इस तरह से प्रेजेंट होती है। उसके बाद सब म्यूकोसा है जिसमें वही ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फ वेसल जो है वो प्रेजेंट रहती हैं, और लास्ट का जोन वही म्यूकोसा जिसमें कि जो नॉन कैरेटिनाइज स्क्वेमस एपिथीलियम की लेयर होती है। रूमिनेंट्स के अंदर जो काओ हैं, उन बुफेलो, उनके अंदर जो स्टाइरेटिव मसल्स होती हैं वो थ्रू आउट द लेंथ जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे हमने बताया कि ऊपर वाली लेयर के अंदर जो है वो अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में देखने को मिलती है, लेकिन रूमिनेंट्स एनिमल के अंदर ये थ्रू आउट लेंथ जो है वो देखने को मिलती है। फूड जो है वो ईसोफेगस से बाई पेरिस्टालिसिस, यहाँ से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट के द्वारा जो है जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो सर्कुलर मसल रिलैक्स करती हैं, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स करती हैं, फूड जो है आगे की तरफ पुश होता हुआ स्टमक में एंटर कर जाता है।
तो मसल्स का इसोफेगस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब इसका कंपैरेटिव अकाउंट देखते हैं तो साइक्लोस्टोम के अंदर माउथ जो है बक्कल कैविटी में जाता है, ठीक है, और बक्कल कैविटी जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है इसोफेगस के साथ। हम पहले भी बता चुके हैं जो फेरेंक्स होता है एक ब्लाइंड पाउच सेपरेट कंपोनेंट होता है ऑन द वेंट्रल साइड पे, ठीक है, और इसोफेगस से जो है इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है। हैग फिशेज हैं उनके अंदर जो है वो पोस्टीरियर एंड ऑफ फेरेंक्स से शुरू होता है। पूरी जो इसोफेगस होती है उसकी जो इंटरनल एपिडर्मिस होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स रहते हैं एपिडर्मिस के, जो कि पुश करने में, फूड को पुश करने में हेल्प करते हैं। फिशेस के अंदर फेरेंक्स जो होती है वो छोटी होती है, नैरो होती है, ट्यूबुलर होती है, और उसकी जो लाइनिंग होती है मस्कुलर लाइनिंग होती है, म्यूकस म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड, पूरी वॉल के अंदर जो है इस तरह के लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो न्यूमेटिक डक्ट होती है, जो डक्ट न्यूमेटिकस जो कि एयर ब्लैडर से निकलती है, वो भी इसोफेगस के अंदर खुलती है इन फिशेस के अंदर। एम्फीबियंस के अंदर अगर आप देखेंगे जो एनुरांस हैं, फ्रॉग्स हैं, टोड हैं, उनके अंदर जो इसोफेगस होती है वो जो है शॉर्ट होती है, नैरो ट्यूब होती है, ठीक है, इसोफेगस की वो एक ओपनिंग होती है, गुलट बोलते हैं। द इसोफेगस जो है एक सैग लाइक स्टमक के अंदर खुलता है। इसकी लाइनिंग जो होती है एम्फीबियंस की वो सीलिएटेड होती है, यानी कि सीलिया प्रेजेंट होता है जिसकी बीटिंग से जो है फूड आगे की तरफ मूव होता है। अगर इनको एनुरान से कंपेयर करें यूरोडल्स के अंदर, तो उनके अंदर इसोफेगस जो है थोड़ी लंबी होती है एज कंपेयर टू एनुरान्स। तो इसोफेगस आप देखेंगे यहाँ पर स्टमक है तो ये इसोफेगस है, जो आपको यूनिफॉर्म डायमीटर है वहां पर इसोफेगस है, फिर स्टमक। तो लेंथ ऑफ हम इसोफेगस की डिपेंड करती है कि वहां पर नेक है या नहीं। रेप्टाइल के अंदर इसोफेगस जो होती है वो थोड़ी नैरो ट्यूब फॉर्म में होती है, स्ट्रेट होती है और एक्सटेंड थ्रू द नेक, नेक रीजन से उसको जो है वो एक्सटेंड कर जाती है। म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये जो एनएमिनियोट्स होते हैं, जितने जिनके अंदर ये एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं होते उनके मुकाबले में लंबी होती है, लेकिन एमनियोट्स के मुकाबले में छोटी होती है। स्नेक्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड जो वॉल के अंदर प्रेजेंट है एपिडर्मिस के अंदर, वो डिस्टेंशन में हेल्प करते हैं कि वो वाइड कर देते हैं इसोफेगस के एरिया, जिसके कारण खाना जो है इजीली स्वॉलो किया जा सकता है। इसोफेगस अगर सी टर्टल का देखते हैं तो उसकी जो ये लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स रहते हैं वो कैरेटिनाइज्ड हो जाते हैं, उनको हॉर्नी पैपिली बोलते हैं। ये पैपली जो है इसोफेगस के एंड में, ये पैपली एंड होते हैं जहां पर इसोफेगस जो है स्टमक के साथ जुड़ता है, और इनका ये माना जाता है कि ये फूड को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं जब एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो एक्सपेल किया जाता है। बर्ड्स के अंदर जो इसोफेगस होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और नैरो ट्यूब होती है। इसकी वॉल जो है थिक होती है, म्यूकस ग्लैंड जो है इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। इसोफेगस जो है जिसकी ओपनिंग ब्लड बोलते हैं वो थोड़ा लॉन्ग वाइड डिस्टेंसिबल होती है, थिक वॉल्ड होती है जो कि बैकवर्ड थ्रू द नेक टू जॉइन द लार्ज। यहाँ पर आप देखेंगे ये नेक से पीछे से होती हुई एक बड़े से स्ट्रक्चर में, डायलेटेड रिजर्वायर में, जिसको क्रोप बोलते हैं, उसमें खुलती है। क्रोप जो होता है एक बड़ा सा थिन वॉल बाइलोब्ड इलास्टिक नॉन ग्लैंडुलर सैक होता है, जो कि बर्ड को हेल्प करता है जो भी वो खाना खाते हैं उनको जो है पहले जो है वो स्टोर कर लेते हैं फूड को फॉर लेटर डाइजेशन, बाद में डाइजेशन हो, पहले जब खाना अवेलेबल हो उसको उसी समय जो है वो ले जाते हैं। जो ग्रैनीवोर्स होते हैं, जो ग्राम ईटिंग एनिमल्स होते हैं,
उनके अंदर क्या है, ये थोड़ा बड़े साइज को होता है क्योंकि उनको ग्रेन जो है वो अपने अंदर ले जाकर उस क्रॉप के अंदर स्टोर कर लेते हैं। जैसे पिजन है, फिंचेस हैं, पैरट है, ठीक है। इसके बाद जो ये क्रॉप होता है वो एक स्पेशल बोन के द्वारा सपोर्टेड होता है जिसको विश बोन या फर्क्यूला कहते हैं। जब आपने फाउल का एंडोस्केल्टन पढ़ा था उस समय मैंने बताया था फर्क्यूला में जो क्लेविकल बोन होती है वो गर्डल के साथ जो है वो जुड़ी हुई होती है, जिसके कारण फोरामेन जो है वो देखने को मिलता है इन द पेक्टोरल गर्डल। ग्रेन्स जो क्रॉप के अंदर क्या होता है, जो भी ग्रेन को स्टोर करते हैं वहां पर उनको मॉइस्चर किया जाता है, मॉइस्चर मिलता है और वो सॉफ्ट हो जाते हैं। जो क्रॉप की एपिथेलियल लाइनिंग होती है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो थिक होती है और वो वाइट स्लाइमी प्रोटीनिशियस जो और फैटी फ्लूइड सिक्रीट करते हैं जिसको क्रॉप मिल्क बोलते हैं ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, जब जो है यंग वन जो है उनके ऊपर फीड करते हैं, और इसको बोलते हैं क्रॉप ग्लैंड। ये देखिए क्रॉप जोन है, बाइलोब स्ट्रक्चर है इसके, यहाँ पर आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो है जो कि मिल्क लाइक सिक्रीशन सिक्रीट करता है वाइटिश, जिसको क्रॉप मिल्क बोलते हैं, ये क्रॉप ग्लैंड कहलाती है। और स्टमक के साथ ये अबडक्टरी जो है वो जुड़ जाती हैं। मैमल्स के अंदर इसोफेगस जो है वो थोड़ी लंबी होती है क्योंकि नेक प्रेजेंट होती है, उसके अंदर ग्लैंड्स नहीं होती हैं, और ये रीजन रहता है कि उसकी नेक जो है वो अगर लंबी है तो उसके अंदर इसोफेगस भी जो है वो प्रेजेंट होता है। ये डायफ्रैगम को यहाँ पर क्रॉस करके स्टमक के अंदर जो फिर सॉरी डायफ्रैगम को के नीचे का जो इसोफोगस का रीजन होता है उसमें विसरल पेरिटोनियम जो है वो कवर्ड होती है। ऊपर वाले पार्ट में इसोफेगस की जो है विसरल पेरिटोनियम नहीं होती क्योंकि वो सिलोमिक कैविटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। लोंगिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं इसकी लाइनिंग के अंदर, वो फिंगर लाइक फ्लैशी पेपिली हो सकते हैं जैसे लास्ट में ब्रांच में देखे गए थे, ओर्नी पेपिली हो सकते हैं मैराइन टर्टल के अंदर देखे गए थे। नो विसल पेरिटोनियम होता है इन अपर पार्ट ऑफ द इसोफेगस में जो कि आउटसाइड लाई करता है सिलोम के अंदर। सिर्फ मैंने बताया जो इसोफेगस जैसे ही डायफ्रैगम को क्रॉस करता है उसके बाद उसके चारों तरफ जो है विसरल पेरिटोनियम की लेयर होती है, ठीक है। इसका इसोफेगस को हमने बताया थ्री जोन में, जो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर होती है बाय थिन ट्यूनिका एडवेंटिशिया के द्वारा जो है वो आउटर लेयर होती है जो कि थिन होती है, फिर मसल फाइबर की होती है इंटीरियर पार्ट में स्ट्राइब्ड, मिडल पार्ट में बहुत स्ट्राइब्ड एंड अनस्ट्राइब्ड, और पोस्टीरियर पार्ट में जो है वो अनस्ट्राइब्ड मसल प्रेजेंट होती है जो कि इनवॉलेंट्री होती है। बोथ अगर आप एक्सेप्शन की बात करें तो रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर हमने बताया सारी जो मसल्स होती हैं वो स्ट्राइब्ड और वॉलेंट्री होती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइनिंग जो है लास्ट वाली जो लाइनिंग होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथीलियल की लेयर होती है, वहां पर कॉलमनल सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर जो स्टमक के पार्ट होते हैं आपने देखा होगा रूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम और एबोमेसम, ये जो पार्ट होते हैं ये जो हैं इनके जो फर्स्ट थ्री पार्ट होते हैं वो ईसोफेगस के डेरिवेटिव जो हैं वो होते हैं। तो ये जो ईसोफेगस आप देख रहे हैं यहाँ पर डायफ्रैगम को क्रॉस करती है तो विसरल पेरिटोनियम के साथ जुड़ी होती है, नहीं तो अदरवाइज ये सिलोम के अंदर प्रेजेंट होती है। तो ये था कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ फेरिंग्स एंड ईसोफेगस इन वर्टिब्रेट्स। थैंक यू।